शान भाई, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे और दो पिछले दो दिन से ये काफ़ी अफवाहें गर्दिश हैं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर। वो तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक एक वो भी आया था कि शाहीन के मैंने कंधे पे हाथ रखा था और उसने हटा दिया, तो मुझसे नाराज़ नहीं होते। बेचारे को बॉल लगा था राणा का, मैंने उसी जगह पे हाथ रख दिया था। फिर एक आया था कि मैं गिलेस्पी पे गुस्सा हुआ हुआ, वो मैं गिलेस्पी पे गुस्सा नहीं था, हमारा बॉल बाहर गया, जो सेकंड न्यू बॉल था उसको सिर्फ 8 ओवर्स हुए थे, ठीक है, वो बाहर गया, लितन दास ने छक्का मारा। तो जब वो बॉल वापस आ गया, अब सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क था, जो उन्होंने हमें बॉल दिया था वो उससे कई ओवर पुराना था, वो 18-19 ओवर पुराना था और हमारा 8 ओवर बॉल पुराना था। तो हम कह रहे थे हमें नया बॉल इससे बेहतर देना चाहिए, तो उस चीज़ की कंप्लेन कर रहा था। उसमें इस्तीफा भी आ गया, उसमें शाहीन से फड्डा भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि स्पेशली जब मैचेस हो रहे होते हैं सोशल मीडिया कम देखें। कभी कभार वो लोग मैसेजेस भी आ जाते हैं कि भाई ये बात सही है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबर आजम को आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? सेकेंडली, किसी भी प्लेयर की देखें, हमारी बात है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे प्लेयर्स के। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, किसी भी आप प्लेयर पे रखें, आप जितना कंसिस्टेंट चांस देंगे तभी प्लेयर बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है कि करंट फॉर्म में आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेयर है अभी आपके पास। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त हम रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा कोई रेड बॉल सीजन भी नहीं हो रहा कि हम कहें वो ये प्लेयर फॉर्म में इस प्लेयर को रिप्लेस करके इस प्लेयर को ला सकते हैं। इस वक्त हमारे पास वो स्क्वाड है जो हमने ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जो पिछले रेड बॉल सीजन में पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिकली सक्सेसफुल था। अगर इस वक्त रेड बॉल सीजन चल रहा होता तो हम आराम से एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते थे, अगर हमें लगता किसी प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत थी, किसी प्लेयर को फॉर्म में वापस आने की ज़रूरत थी, आप कहते हैं आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, हाँ इस वक्त उसको खिलाते हैं जो हमें लग रहा है कि ये इन कंडीशंस में हमें रन्स करके दे दे। बाबर आजम जो है वो मिडल ऑर्डर में बहुत एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी उनसे बात हुई है, क्या टेक्निक में मसला है, कोई कॉन्फिडेंस उनका शेक हुए हुए है, कोई उनकी आपके साथ 1-2-1 अगर बात हुई हो? लेकिन जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, किसी भी बैट्समैन के लिए आई थिंक रन्स करेंसी होती है। आई थिंक रन से मूड ऊपर नीचे होता है। आप किसी भी बैट्समैन से पूछें, वो जब 100 पे भी आउट होगा, 150 पे भी आउट होगा, वो कभी खुश नहीं होगा। तो आई थिंक बाबर आजम ने एज अ बैट्समैन इतने रन्स किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कि आई थिंक एक हैबिचुअल चीज़ थी। तो जब थोड़ा सा रट आता है ऑब्वियसली आपके माइंड में प्ले करता है, बट आई थिंक बेस्ट चीज़ यही होगी कि आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो मेन चीज़ है, देखें रन्स आप एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी मेहनत है और जो आपकी सोच है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर आप अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा वही अपने गेम पे काम करता है, तो मैटर ऑफ टाइम होता है। अब वो टाइम जितना जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। तो वही चीज़ है, किसी भी बैट्समैन के लिए रन्स एक बैट्समैन की सोच ऊपर नीचे ज़रूर कर सकता है। ये पाकिस्तान के डार्केस्ट 9 डेज हैं होम क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। हमने नहीं देखा कि कभी इस तरह के अपोजिशन से पाकिस्तान इतना फ्लैट गया हो, उसका आप कैसे सम अप करेंगे और आप अपनी कैप्टनसी का फ्यूचर कैसे देखते हैं, कीपिंग इन माइंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आपका नेक्स्ट ऑपोजिशन है? जी जोजी भाई, आई थिंक हम ये नहीं कह सकते इस तरीके की ऑपोजिशन। आई थिंक ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी हर ऑपोजिशन की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और बांग्लादेश की ये क्वालिटी थी कि उनका जो डिसिप्लिन था दोनों टेस्ट मैचेस में वो हमसे ज़्यादा था। हमें अपने आप को देखना होगा, हमने क्या गलतियाँ की और हमने काफ़ी गलतियाँ की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिस पर हमें काम करना होगा, इस पर कोई फैक्ट नहीं है। वो कैसे करेंगे, आई थिंक एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी, आई थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली, इंडिविजुअली, जो भी लड़कों की फिटनेस है। क्योंकि देखें 5 दिन में हमने पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर्स इसलिए खिलाए थे क्योंकि हम समझते थे कि 3 पे लोड काफ़ी होगा,
और जब हमने वो चीज़ तीन पर की दूसरे टेस्ट मैचेस में, तो दोनों इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली एक एक फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में। आई थिंक एक स्टोरी है जो इवन जब मैं नहीं खेलता था पाकिस्तान के लिए, एक चीज़ पे हमें काम करना होगा कि जब भी सेकंड इनिंग्स में जो थर्ड और फोर्थ इनिंग्स होती है हमारे ऊपर ज़रा प्रेशर आता है, उस चीज़ पे हमें काम करना होगा। हमारा अगर कोलैप्स होता है तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होता है। अगर आप दोनों फर्स्ट इनिंग्स देखें, दोनों बार हम टॉस हारे, दोनों बार वेदर था, दोनों बार पिच में कुछ ना कुछ था। हमने पहले मैच में 448 की है, दूसरे मैच में हमने 274 की, और वो पिच की रिफ्लेक्शन जब उनके 26 पे 6 आउट थे वो पिच की रिफ्लेक्शन थी। उस पिच पे हमने पहले बैटिंग करके 274 की है। तो पॉजिटिव साइंस ये थे कि हमने बॉलिंग और बैटिंग में स्टार्ट्स बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ओवर आपको 4-5 डेज़ ये आपकी फिटनेस पे, ये आपकी मेंटल टफनेस पे, ये इन चीज़ों पर आ जाते हैं, और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट को काम करना होगा। सेकेंडली देखें, मैंने जो ये जॉब एक्सेप्ट की है वो की है कि हम कुछ चेंजेस करें। जो मेरा एक बिलीफ है, जो टीम का एक बिलीफ है, हम वो चीज़ें ट्राई करें। अगर उसमें सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक मकसद है कि अगर मैं बिलीव करता हूँ कि ये टीम इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस तरीके से खेल सकती है, तो अगर मेरा फेलियर भी उस डायरेक्शन में पाकिस्तान को ले जाए, मैं खुश होऊंगा। तो मैं इस चीज़ से, मैं इस पे होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहता। जो भी जब जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं शुक्र अदा करके वो टाइम करूँगा और पूरी अपनी एफर्ट दूंगा जितनी दे सकता हूँ।